hi welcome on this channel now i am going to explain past simple tense and you will also distinguish past simple from past indefinite because in most of the book you would have usually seen that these two tenses have been used or composed in a single lesson but here i will define and i will make difference between the two so let's start without wasting the time the ismaham past सिंपल टेंस को पास्ट इंडेफिनिट से अलग करेंगे और जानेंगे कि कैसे दोनों अलग अलग हैं मान के चलिए हमारे पास दो सेंटेंस है कि वह एक राजा था और दूसरा सेंटेंस है वह स्कूल जाता था या वह स्कूल गया तो क्या करेंगे इसका सिमिलरली हम कह सकते हैं कि पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट से हम अलग रख सकते हैं ठीक है पास्ट सिंपल में खास करके आपको वाक्य के अंत में था थी थे आदि होते हैं और पास्ट जो इंडेफिनिट होते हैं इसमें आपका ता था ती थी ते, थे या ई आ ए वगैरह होते हैं इसमें और इस तरीके से उसके मुख्य क्रिया में होते हैं अंत में और इसके जो है वाक्य अंत में होते हैं ठीक है तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि और दूसरी बात एक चीज़ और बता देते हैं कि जैसे हम बोलते हैं कि वहाँ के लोग काले होते थे ठीक है वहाँ के लोग काले होते थे इसका मतलब काले अभी नहीं है ठीक है तो इस टाइप से जो सेंटेंसेज होते हैं ना वो खास करके पास्ट सिंपल में ज़्यादातर बनाए जाते हैं द पीप, पीपल ऑफ दैट प्लेस व ब्लैक ना कि ऐसे बनाएंगे कि इनडेफिनेट में एक्शन वाले वर्ब को यूज़ करके बनाएंगे आप तो आपका गलत हो जाएगा इसलिए ध्यान रखिएगा कि पास्ट सिंपल में जो है कोई भी एक्शन होता है कोई ना कोई हरकत होती है एक्शन वर्ब का यूज़ किया जाता है लेकिन पास्ट इन डेफिनेट में लेकिन पास्ट सिंपल में जो है ऐसा नहीं होता है पास्ट सिंपल में आपको कोई ना कोई आ, आपका एडजेक्टिव होता है नाउन होता है जिसका यूज़ किया जाता है वॉज़ोर के बाद सब्जेक्ट के बाद जैसे ही आप वॉज़ोर को पुट करते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल वह एक राजा था तो ही वॉज द किंग तो इस टैप से सेंटेंस जो है आपको ये बता देता है कि कैसे आप पास्ट सिंपल को पास्ट इंडेफिनिट से अलग करेंगे तो पा सिंपल खास करके क्या होते हैं पास्ट में कोई भी चीज़ स्टेबल में था वो परमानेंट था वो कुछ करता नहीं था बस उसी अवस्था में था जिस अवस्था में उसकी बात की जा रही है तो उसको पास सिंपल कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल गांधी जी महान थे इसमें कुछ किया नहीं जा रहा है तो गांधी जी वॉज ग्रेट सुभाष चंद्र बोस जो है वो एक नेता थे कुछ नहीं किया जा रहा है तो सुभाष चंद्र बोस वॉज अ लीडर अब अगर यहीं पे हो जाता है सुभाष चंद्र बोस नेतागिरी करते थे लोगों को के पास जाते थे यहाँ पे काम होने लगा है तो ये सारा पास सिंपल में चला जाएगा ठीक है तो ध्यान रखिएगा कि पा सिंपल को पास्ट इंडेफिनेट से आपको अलग करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए ताकि आप आसानी से इस दोनों के बीच में अंतर निकाल सकें तो चलिए पा सिंपल में हम जा, आ, जान ही लिए कि क्या होते हैं पास सिंपल तो अब हम चलते हैं सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस के फार्मूला की ओर तो एफर्मेटिव सेंटेंस में आपके पहला जो है वो स्क्रीन पर में वो है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ड प्लस अदर वर्ड फुल स्टॉप अदर वर्ड में नॉन एजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी हो सकते हैं जो सेंटेंस के मीनिंग को पूरा कर सकता है वॉज का यूज़ आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और आई के साथ करना है और वर्क का यूज़ आपको जितने भी सब्जेक्ट हैं बाकी सब के साथ आपको करना है कई बार ऐसा होगा कि सब्जेक्ट देखने में आपको प्लूरल होते हैं लेकिन यूज़ सिंगुलर की तरह होते हैं कई बार ऐसा होगा कि सब्जेक्ट आपको देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन यूज़ प्लूरल की तरह होते हैं तो आपको ध्यान रखना है आपको बहुत ही अटेंटिवली इसको फॉलो करना है तो सबसे पहला जो हमने बताया था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस अदर वर्ड इसका है जैसे कि वह एक राजा था तो इसके बन जाएंगे ही वॉज द किंग ही वॉज द किंग अब अगर नेगेटिव में जाते हैं तो इसमें हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट या नेवर प्लस अदर वर्ड प्लस स्टॉप और सब्जेक्ट प्लस वॉजन्ट वरंट कॉन्टैक्ट करके वॉज नॉट को वॉजंट और वर नॉट को वॉरंट दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं आप प्लस अदर वर्ड और आपको फुल स्टॉप लगाते हुए ख़त्म कर देना है फॉर एग्जाम्पल वह एक राजा नहीं था तो क्या बनाएंगे? ही वॉज नॉट एक और ही वॉज अन टेकिंग दूसरा होता अगर वह राजा कभी नहीं था तो क्या बनाते ही वॉज नेवर एक इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा नेक्स्ट आपका इंट्रोगेटिव वन तो इंट्रोगेटिव वन में क्या करेंगे आपको दो तरह का इंट्रोगेटिव है यू नो ऑलरेडी कि एक तो वो होते हैं जो वॉज वर् से इनिशियल शुरू होते हैं और दूसरे जो होते हैं आपको वो डब्ल्यू एच से हाउ मच हाउ मैनी हो वैन वट हाउ इस टाइप से सेंटेंसेस से शुरू होते हैं तो पहले जानते हैं हम आपको वॉज वर वाली तो वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस को ख़त्म कर देना है तो इसके बन जाएंगे क्या वह एक राजा था तो क्या बन जाएंगे वॉज ही ए किंग वॉज ही king? अब अगर यहीं पे होता वह राजा क्यों था तो क्या बनाते तो इसके बन जाएंगे वाई वॉज ही Why वाई वॉज ही king? अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की ओर इसमें भी दो तरह के हैं पहला तो है वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क दूसरा है वॉजट वर्ंट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क जैसे कि क्या वह राजा नहीं था क्या वह राजा नहीं था तो इसके बन जाएंगे वॉज ही नॉट किंग वॉज ही नॉट अकिंग और वॉजंट ही ए किंग अगर ऐसा रहता वह राजा क्यों नहीं था तो डब्ल्यू एच फैमिली वाले आ रहे हैं तो क्या करेंगे ऐसे बनेंगे डब्ल्यू एच प्लस वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस अगर नेवर है तो नेवर लगा दीजिए प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क लगाते हुए सेंटेंस को बंद कर देना है और अगर आपको नॉट को पाले रखना है तो सब्जेक्ट डब्लू एच आ जाएंगे फिर वॉजन वॉरंट आ जाएंगे फिर सब्जेक्ट आ जाएंगे फिर अदर वर्ड आ जाएंगे फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हुए क्वेश्चन को जो सेंटेंस आपको बंद कर देना है तो वो राजा कभी क्यों नहीं था So, why was he never king the type of sentence about Saribana Sakti? I hope you would have enjoyed this video very well. In the next part of the video, you will be learning past continuous, progressive, or imperfections. By then, take care of yourself and enjoy all these previous videos I have uploaded so far so that you can have the accessibility and more and more knowledge, abysmal knowledge about, about grammar, grammatical structure, and it will always boost your spoken sentences.